हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमम मिनिमा का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमम मिनिमा। तो बच्चों शो दैट, क्वेश्चन इज शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। तो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन 6 मार्क्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो वी हैव टू प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहले हम एक कोन बनाएंगे, मान लो ये राइट सर्कुलर कोन है, तो ये इसका वर्टेक्स है, ये सेंटर है सर्कुलर बेस का, इसको सर्कल के किसी पॉइंट से मिला दो, मान लो उसका नाम P है, ये मान लो O है। तो ये बच्चों रेडियस हो गया सर्कुलर बेस का, और वर्टेक्स को O से ज्वाइन कर दो, ये अल्टीट्यूड जा हाइट होगी कोन की, और हाइट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल A पे बन रहा है वो वर्टिकल एंगल होता है। अगर अल्टीट्यूड के साथ किसी एक साइड के साथ एंगल बना देंगे उसका सेमी वर्टिकल एंगल है, सपोज कर लो इसका नाम है अल्फा। तो हमने सपोज किया अल्फा बी सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हमने सपोज किया एच बी इट्स हाइट ऑफ द कोन एंड आर बी रेडियस ऑफ द कोन, ये सब कुछ हमने सपोज किया है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोन का सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन। सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। एक तो इसमें कर्व सरफेस एरिया आता है पाई आर, और एक ये सर्कुलर बेस का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों में गिवन है, स्टोर करो। हमने प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि जब आपको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कोन का गिवन है, गिवन है, हमने उसका नाम एस रख लिया, उसको स्टोर कर लिया, हमने प्रूव करना है कि उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम को वी माना, हमने प्रूव करना है वी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है। और उस टाइम जब ये मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा तो प्रूव करेंगे जो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है उसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 है। कहने का मतलब इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, हमारा ये टारगेट है साइन अल्फा को 1/3 प्रूव करना। तो बच्चों जब भी किसी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है आपने इसको सिंगल वेरिएबल में लाना है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक आर एक एच, क्योंकि हमने दोनों ही सपोज किए हैं, ये वेरिएबल है। मान लो ये स्लांट हाइट एल है, ये हाइट को स्लांट हाइट बोलते हैं, एल है। तो हमने इसको सिंगल वेरिएबल में लाना है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, गिवन इक्वेशन 1। तो यहां से हम जा तो आर की वैल्यू निकालते हैं या तो एच की, लेकिन यहां पे हमें एल गिवन है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट में एल को खत्म किया, एल इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए ओ पी में, इस ट्रायंगल में पी ए ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये बेस है, क्यों ये बेस है, क्योंकि जिस साइड में किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए यहां पे एक एंगल अल्फा है और एक एंगल 90 है, तो जिस साइड के साथ दो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा बेस होता है। तो देखिए यहाँ पे दो एंगल्स, एक अल्फा है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये बच्चों यहाँ से एल की वैल्यू मिलती अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो गिवन में जाएंगे एल की वैल्यू पुट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल प्लस
पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन में। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ये टर्म को ट्रांसपोज किया, अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ पे रहने दो, स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग क्यों की? ताकि अंडर रूट कैंसिल हो जाए। तो स्केयरिंग की, ये स्केयर हो गया और अंडर रूट कैंसिल हो गया। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ताकि ये v फंक्शन आपका सिंगल वेरिएबल बन जाए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 पाई आर स्क्वायर एस। ये फॉर्मूला हो गया, इसको ओपन कर दो, पाई स्क्वायर आर फोर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये दोनों सेम है, कोई भी एक टर्म को ट्रांसपोज कर दो तो कट जाएगी। देखिए हमारे पास एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर वाली टर्म्स एक टर्म कर दो, इसको उधर ले जाओ तो दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा 2 पाई एस। देखिए यहां से आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ जी, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एस स्क्वायर ओवर ये नंबर, और इसमें से पाई कॉमन आ रहा है, ये नंबर पाई कॉमन आ रहा है, पाई एच स्क्वायर प्लस 2s। तो दिस इज आर स्क्वायर, इसको स्टोर रखेंगे आगे जब हमें इसकी हेल्प लेनी है मंथ फोर। तो सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ये है, वॉल्यूम प्रूव करना है, इसको सिंगल वेरिएबल में लाना है। तो जहां तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, जहां तो एच की निकालो। तो हमने सोचा चलो क्यों ना आर स्क्वायर निकाला जाए, तो मेरे को एल खत्म करना पड़ा, एल इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से मिल गया, एल की वैल्यू पुट कर दी। फिर आर स्क्वायर कब निकलेगा? इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इसको वहीं पे रहने दे रहा हूँ, स्केयरिंग कर रहा हूँ, अंडर रूट कैंसिल हो जाए। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन किया, तो देखो आर स्क्वायर की टर्म आर स्क्वायर के साथ चल गई, कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? जो भी इसके साथ है वो डिनोमिनेटर में चल गया और दोनों में से पाई कॉमन ले लिया। तो बच्चों मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब मैं देखिए, अब वॉल्यूम फंक्शन जिसे हमने मैक्सिमम प्रूव करना है उसमें जाकर आपने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 1/3 पाई, मतलब पाई बाय 3 लिख सकते हैं। ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? एस स्क्वायर, हाँ जी, नीचे पाई, ऐसे ऐसे बच्चों, और पाई एच स्क्वायर प्लस 2h। वॉल्यूम में गए 1/3 पाई, 1/3 मतलब पाई बाय 3, आर स्क्वायर की वैल्यू एस स्क्वायर ओवर पाई इंक्रीज साथ में h, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम कितना बन गया? एस स्क्वायर एच ओवर 3 पाई एच स्क्वायर प्लस 2s। इसको हमने मैक्सिमम प्रूव करना है। अब ये सिंगल वेरिएबल में, क्योंकि s क्या है? सरफेस एरिया, वो गिवन है, जो चीज गिवन होती है फिक्स होती है, वो कांस्टेंट होती है, तो कभी भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट नहीं होता, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h होगा। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, एस स्क्वायर बाय 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो गया, इसको साथ ही रखो। यहां पे क्वेश्चन टू लगाओ, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो क्वेश्चन टू क्या होता है? नीचे वाले नंबर का स्केयर कर दो, हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन नीचे वाला एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h मान दिया होगा, माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज, हाँ जी, एच एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव, क्योंकि एस स्क्वायर बाय 3 तो बाहर है, तो बच्चों पाई एज इट इज 2h, इसका आ गया 2 पाई एज इट इज इनटू 2h, ये आ गया, तो 2h का 0, क्योंकि s तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई एच आ गया। तो सिंगल डेरिवेटिव dv ओवर dx कितना बनेगा? एस स्क्वायर ओवर 3, बच्चों ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 2s, ये 2 पाई एच स्क्वायर, ये प्लस पाई एच स्क्वायर, तो क्या बचेगा? लाइक टर्म्स है, माइनस का पाई एच स्क्वायर, क्योंकि ये 2 पाई एच स्क्वायर है, ये 1 पाई एच स्क्वायर, तो ये बच जाएगा। तो नीचे कौन है? देखिए नीचे कौन है? ये ओवर, हाँ जी बच्चों, पाई एच स्क्वायर प्लस 2s का होल स्क्वायर। तो सिंगल डेरिवेटिव को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको सेव कर लो,
ओके देखिए, हमें आर स्केल भी चाहिए, हमें सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए। तो हमने आर स्केल को सामने दिखा दिया आपको, आप सेव करो इसको। तो देखो नाउ ये सिंगल डेरिवेटिव, इसको भी स्टोर कर लो, कोई भी नाम दे दो, स्टार वन व्हाटएवर। तो ये चाहिए बाद में, इसको भी सेव कर लो। मैंने सेव कर दिया, टू डालो, मैंने टू स्टार्स डाल दिए। ओके समझ आ गई सबको बच्चों? अब इसका सिंगल डेरिवेटिव का एक बार फिर से डेरिवेटिव करनी है। वंस मोर कॉन्स्टेंट एज इट इज, हाँ जी कॉन्स्टेंट एज इट इज, बाहर करो। इस पर फिर से क्वेश्चन को लगाओ, ये फर्स्ट ये सेकंड, फटाफट क्वेश्चन लेंथ ही है, घबराना नहीं है। फर्स्ट नीचे वाला फर्स्ट है, उसका स्केल करना है, ये तो ऑलरेडी स्केल है, तो पावर स्केल का स्केल फोर हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एज इट इज। सेकंड का डेरिवेटिव टू एच का जीरो, कॉन्स्टेंट है, माइनस पाई एज इट इज इंटू टू एच, ये बच्चों सेकंड का डेरिवेटिव। माइनस सेकंड फंक्शन ऊपर वाला एज इट इज, कौन है, टू एच माइनस पाई एच स्केयर, माइनस पाई एच स्केयर। और नीचे वाला क्या डेरिवेटिव, पावर रूल से होगा, तो पावर रूल क्या बोलता है, टू नीचे हाँ जी पाई एच स्केयर प्लस टू एच पावर रूल, और पाई एच स्केयर का डेरिवेटिव टू पाई एच इंटू टू पाई एच। क्यों? क्योंकि टू एच का तो जीरो हो जाएगा। समझ आया सबको? ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। बच्चों देखिए, ये चाहिए और ये भी चाहिए, समझ आई सबको? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्वायर बी ओवर डी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर ओवर थ्री, ये पाई एच स्क्वायर प्लस टू एक्स कॉमन आ गया। देखिए पाई एच स्क्वायर प्लस टू एक्स कॉमन है बच्चों, तो क्या बचा, माइनस टू पाई एच, और एक पावर बाहर है, एक पावर अंदर रह गई, ये बाहर चल गया, हाँ जी, तो क्या बचा, माइनस कितना बचा, फोर, ये टू और ये टू पाई एच, फोर पाई एच, ये तो जो बाहर चल गया, ठीक है, तो एक ये बचा, एक ये टू पाई, ये भी बचा, टू एस माइनस पाई एच स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में देखिए पाई एच स्क्वायर प्लस टू एस होल पावर फोर, तो एक पावर कैंसिल हो गई, थ्री पावर रह गई, तो वी हैव डबल डेरिवेटिव। समझ आ रहा है सबको? ओके यहां पे करते हैं, क्वेश्चन लेंथी है, प्रैक्टिस इन सम्स में काफी चाहिए। ओके तो देखिए, तो डबल डेरिवेटिव बच्चों कितना बन गया, डी स्क्वायर बी ओवर डी एच स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर बाय थ्री, और साथ में क्या है, पाई एच स्क्वायर प्लस टू एस का होल क्यूब। ये देखिए ओपन दी ब्रैकेट्स, अभी ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूं मैं, ये स्टेप नहीं चाहिए हमें, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए डबल डेरिवेटिव बच्चों भैया, ऊपर क्या है देखिए, ये एस स्क्वायर ओवर थ्री, ये डिनोमिनेटर ऐसे लिख दिया, और ओपन दी ब्रैकेट्स माइनस, हाँ जी ऐसे माइनस टू पाई स्क्वायर, माइनस टू पाई स्क्वायर एच क्यूब, माइनस टू पाई स्क्वायर एच क्यूब, ये देखिए माइनस फोर, माइनस फोर हाँ जी माइनस फोर पाई एच एस, ये बचा माइनस फोर पाई एच, ब्रैकेट को ओपन कर दिया सिंपली, माइनस एट पाई एच एस प्लस फोर पाई हाँ जी स्क्वायर एच क्यूब, ये बचा ओवर, ये तो ओवर तो दिखाई हुआ पहले से, कितना बन गया, डबल डेरिवेटिव बिकम्स एस स्क्वायर ओवर थ्री पाई एच स्क्वायर प्लस टू एस का होल क्यूब। और ब्रैकेट में क्या, ये रखिए ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म्स है, तो टू पाई स्क्वायर एच क्यूब, ये दोनों सेम है, माइनस ट्वेल्व
तो डबल डेरिवेटिव बच्चों ने निकाल लिया, फिर हम सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करके वहां से एच की वैल्यू मिलेगी, डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। देखिए अब क्या लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव इसको स्टोर कर दो, थ्री मान लो मैंने थ्री स्टार्स दे दी। अब सिंगल डेरिवेटिव को जैसे ही आपने जीरो पुट किया, हाँ जी जीरो पुट किया, अगर कोमा लेना तो ले लो आपकी मर्जी है, देखिए अगर आप कोमा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्या बचेगा डबल डेरिवेटिव एस स्क्वायर ओवर थ्री, कॉमन क्या है टू भी कॉमन आ रहा है, हाँ जी एक पाई कॉमन आ रहा है, एक एच कॉमन आ रहा है, तो नीचे क्या है पाई एच स्क्वायर टू एस का होल क्यूब, टू कॉमन पाई कॉमन एच कॉमन, एक पाई ऐसे रह गया, एक एच कॉमन है दो एच रह गए, क्लियर देखो, माइनस टू कॉमन है पाई कॉमन है, टू कॉमन पाई कॉमन और एच कॉमन, एक पाई रह गया एच स्क्वायर रह गए, टू सिक्स ट्वेल्व पाई बार है एच बार है, ऐसे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं ऐसे लिख दिया, समझ लगी सबको, तो यहां पे डबल डेरिवेटिव मिल गया। लो जी बच्चों डबल डेरिवेटिव, फिर आपने सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है, जैसे ही सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बच्चों ऐसे चलेगा, एस स्क्वायर टू एस माइनस पाई एच स्क्वायर, आई होप क्लियर है सबको, ओके। तो जैसे हमने सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर जीरो बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि एस तो कॉन्स्टेंट है, ये जीरो नहीं हो सकता, अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो एस स्क्वायर से डिवाइड करो, क्योंकि एस स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो गिवन है कॉन्स्टेंट है, सरफेस एरिया थोड़ा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा, ये तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एस जीरो नहीं है तो एस स्क्वायर भी जीरो नहीं हो सकता, तो इससे हमें क्या मिला, देखिए 2s equal to pi x square, h square की वैल्यू मिल गई 2s over pi, जहां बोल दो सर h की वैल्यू मिल गई इसका अंडर रूट 1 is equal to h की वैल्यू मिल गई जहां h square की वैल्यू मिल गई, समझ आया सबको, ओके। तो बच्चों नाउ वी है h मिल गया h square मिल गया, फिर आपने इस h की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में पुट कर दी, तो ये डबल डेरिवेटिव, क्लियर रखो, तो क्या लिखेंगे इस एच की वैल्यू को, हाँ जी डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो एच स्क्वायर जहां एच ए की बात है 2s ओवर पाई, तो इस एच स्क्वायर पे डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, चेक करेंगे एस स्क्वायर, देखिए 2s स्क्वायर, ये 2s स्क्वायर साथ में पाई एच, हाँ जी बच्चों पाई एच आई ओवर 3 पाई एच स्क्वायर प्लस 2s, अभी समझ आएगा सबको, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये पाई एच स्क्वायर कितना है, मैंने पाई एच स्क्वायर 2s है, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करो एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो भाई, एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो जब पाई एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो 2s माइनस 6s, लो जी प्रूव हो गया डबल डेरिवेटिव, ये माइनस 4s है बच्चों, माइनस 4s ये माइनस 4s ये 2 माइनस 8s ये s क्यूब बन गया, ये पाई एच, दिस नंबर इज लेस देन 0, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, बाय सरफेस एरिया पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव साथ में माइनस, तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आपको बोलना पड़ेगा कि वॉल्यूम इज मिनिमम, हमने प्रूव कर दिया आखिरकार वॉल्यूम इज मिनिमम एच एच स्क्वायर इक्वल्स टू, जब एच इक्वल टू ए की बात है अंडर रूट 2s ओवर पाई, तो सेकंड बार प्रूव करना है साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है 1 ओवर 3, तो देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि साइन अल्फा इक्वल टू 1/3, तो फिगर हमने कोण की कुछ ऐसे बनाई थी स्टार्टिंग में, और ये वर्टेक्स है ये रेडियस है, हाँ जी बच्चों देखिए ऐसे, ठीक है ये ए माना था, इसको ओ माना था, इसको कोई पी पॉइंट माना था, ये परपेंडिकुलर इसके,
ये अल्फा एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ये बच्चों रेडियस, ये हाई, ये स्लांट है। हमें साइन निकालना है, साइन अल्फा, साइन कितना होता है, और पेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर में, ओके, इस डायग्राम में इस साइड में दो एंगल्स है, तो इसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो साइन तो क्या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमें एक आर चाहिए, एक एल चाहिए, हमें एक आर चाहिए, एक एल चाहिए। तो बच्चों आर निकालते हैं, तो देखिए आर हमें सेव किया हुआ है, देखिए देयरफॉर आर स्क्वायर में जाएंगे, आर की वैल्यू कितनी है, एस स्क्वायर ओवर पाई, साथ में पाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये कितनी है, टू एस ओवर पाई, हाँ जी, प्लस टू एस। लो बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एस स्क्वायर टू एस प्लस टू एस फोर एस, नीचे पाई, तो बच्चों एस से एस कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई एस ओवर फोर पाई। लो जी आर की वैल्यू कितनी मिल गई, इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट एस ओवर फोर पाई, जिसको आप लिख सकते हो अंडर रूट एस ओवर फोर का टू। लो बच्चों रेडियस मिल गया, क्योंकि साइन में क्या चाहिए, रेडियस ओवर स्लांट है, तो रेडियस तो मिल गया। रेडियस कैसे निकाला, ये आर स्क्वायर में गए, हमने एच की वैल्यू पुट कर दी, एच स्क्वायर पाई बार है, पाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है 2s ओवर पाई, प्लस 2s, पाई से पाई कैंसिल, 4s, s से s कैंसिल, तो इसकी वैल्यू s बाय 4 पाई, तो r इसका अंडर रूट हो गया अंडर रूट s, इसका 2 इसका अंडर रूट पाई, तो बच्चों रेडियस मिल गया। अब सिर्फ स्लांट लाइन चाहिए, ओके, तो स्लांट लाइन कैसे मिलती है, स्लांट लाइन की वैल्यू हमें निकालनी आती है, तो वी नो दैट l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंथी, पर प्रैक्टिस के साथ आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा। तो l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर कितना है s ओवर 4 पाई, तो h स्क्वायर कितना है 2s ओवर बच्चों पाई, ये तो l स्क्वायर, इसका एलसीएम 4 पाई आ गया, इसका एलसीएम देखिए आर स्क्वायर कितना है एस ओवर फोर पाई, हाँ जी एच स्क्वायर कितना है टू एस ओवर वन पाई, तो फोर पाई से फोर पाई कट गया, एस प्लस एट एस, एल स्क्वायर इज नाइन एस ओवर फोर पाई, तो एल कितना हो गया इसका अंडर रूट नाइन का थ्री, इसका अंडर रूट एस फोर का टू। लो बच्चों एल भी मिल गया, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि हमें एल और आर चाहिए थे, दोनों ही मिल गए। ओके तो देखिए साइन अल्फा इक्वल टू आर, आर इज व्हाट अंडर रूट एस टू अंडर रूट पाई डिवाइड बाय एल, इसको डिवाइड करेंगे थ्री अंडर रूट एस साइन अल्फा अंडर रूट एस टू अंडर रूट पाई डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, रूट एस कैंसिल हो गया, फाइनली हमने जंग जीत ली, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी था, तो देयरफॉर वी प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। तो आज हमने ये एक्सरसाइज खत्म की है, ये सारे सम्स हो गए हैं, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पे शुरू करेंगे इंटीग्रेशन, तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।